प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नीतीश कुमार का सोनपुर मेला को 17 वर्षों से इंतजार है। पिछले 17 वर्षों में मुख्यमंत्री ने एक बार भी सोनपुर मेला का उद्घाटन नहीं किया है। मेले का उद्घाटन 8 नवंबर को किया जा रहा है। इस बार मेले का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव करेंगे। इसके लिए पर्यटन विभाग के द्वारा लगभग सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। मुख्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है, इसके साथ ही थिएटर में सजने लगे हैं। इसके साथ ही जानवरों का आना भी शुरू हो गया है। इस बार मेले में पर्यटकों को रिझाने के लिए कई तरह की विशेष व्यवस्था की गई है। इसमें पर्यटकों के लिए स्विच कार्टन से लेकर वाटर गेम तक शामिल है। सोनपुर मेले में इस बार कई बड़े गायक शामिल होंगे। इसमें सब्बीर कुमार, सलमान अली, पूर्णिमा श्रेष्ठ और मैथिली ठाकुर भी शामिल होंगी। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बड़े स्टेज का निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण लगभग अंतिम चरण में है। कार्यक्रमों में हजारों लोग शामिल होंगे। मेले में पहली बार एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी आयोजन किया जाएगा। इसके लिए बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा बकायदे पोस्टर जारी किया गया है। इसमें हॉट एयर बलून से लेकर और फायरिंग भी शामिल है। इस बार सोनपुर मेला में आने वाले पर्यटक वाटर स्पोर्ट्स का भी आनंद ले सकेंगे, जिसमें स्पीड बोर्ड, बनाना बोर्ड, साफिंग और कायाकिंग शामिल है। विश्व के सबसे बड़े पशु मेला सोनपुर मेला में इस बार गाय बाजार में डिज्नीलैंड लगाया गया है, जहां बच्चों के लिए खेलने के साथ तरह तरह के झूले लगाए गए हैं। दूसरे राज्य से परिवहन से गाय लाने ले जाने पर प्रतिबंध के कारण गाय बाजार भी सूना है। इसके साथ ही हाथी व चिड़िया बाजार भी प्रतिबंध के कारण सूने हैं, जबकि कपड़ों, लकड़ी और लोहा बाजार की लगभग दुकानें तैयार हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 वर्ष से सोनपुर मेले का आयोजन नहीं हो सका था, ऐसे में इस वर्ष आयोजन होने से लोगों का उत्साह चरम पर है। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।